ये पता नहीं बंद क्यों हो गया था नेट। चल रहा है 4G? चल रहा है? क्यों, ये कुछ मसला हुआ है इसके साथ? अभी चल रहा है? नहीं चल रहा। अगर चल रहा होता तो हाँ, चल रहा है। नेट पता नहीं क्यों डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये यहाँ हम आए हैं, यहाँ पर हमारा इंशाल्लाह भी बयान होगा करीब में ही। तो ये मस्कत का साहिल है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये मौलाना साहब का दरअसल से करवाएं, ये डॉक्टर आतिफ साहब है। डॉक्टर आतिफ साहब, वालेकुम सलाम, पूरा तारुफ करवाएं जी। आप खुद करवाएं ये इंडिया के हैं? नाम आतिफ है, दिल्ली से ताल्लुक है। दिल्ली के हैं ये डॉक्टर आतिफ साहब, पीएचडी डॉक्टर हैं ये। किस चीज़ में पीएचडी किया हुआ है आपने? मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाता हूं। मैनेजमेंट के अंदर ये पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। इंडिया में दिल्ली से हैं ये, दिल्ली से लाए। बिल्ली बिल्ली ने दिए तो बच्चे, अल्लाह मियां सच्चे हो आती है आपको? बहुत प्यारा लगता है, अक्सर फैमिली को बच्चों को लेके। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत साफ सुथरा पानी है, सुकून, मैल कुचैल गंद बला यहाँ आपको नज़र नहीं आएगी। केले के छिलके और जूसेस के डब्बे कहीं में नज़र नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, हांगकांग का साहिल इतना खूबसूरत, सफाई बिल्कुल ऐसा यहाँ पे भी है। तो ये जहाज़ है, आप देख सकते हैं। जी ठीक है। लांचे भी हैं यहाँ पे, आप रेंट पे लेके समंदर की सैर भी कर सकते हैं लांच में, ऐसा ही है ना? जी ऐसे। जी। शिकार भी होता होगा फिश का? जी होता है यार, यार फिशिंग पे तो चलना चाहिए था ना। कांटे हैं हमारे पास, आप हैं? कल आ जाए सुबह, बस सुबह निकलते हैं। आज तो हमारा आखिरी बयान है ना, कल से हम फारिग हैं। आज मेरा आखिरी बयान है, दुआ करें अच्छे खाफियत के साथ हो जाए। और काफ़ी एजुकेटेड लोग आ रहे हैं उस बयान में, डॉक्टर और प्रोफेसर टाइप के लोग्स उसमें आ रहे हैं, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स टाइप के लोग्स आ रहे हैं उसमें। ये भी डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं दिल्ली के। तो इनके माशाल्लाह दाढ़ियाँ और इनके लिबास देख के दिल ही नहीं चाहता बयान करने का भाई, ये तो अभी और क्या सही होंगे, बस सही हो गए ना ये माशाल्लाह। और क्या इनको ठीक करे आदमी, सही तो हैं, इनको क्या बयान करे यार आदमी। तो सारे आप टाइप के प्रोफेसर होंगे या और वक्री टाइप के भी हैं कुछ? नहीं नहीं, हाँ तो फिर उनको बयान करेंगे इंशाल्लाह। ये मुस्तकिल क्रूज तो यहाँ खड़ी है। जैद खान, जैद अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खान, हमारी दुआ आपके साथ, शुक्रिया भाई। हाफिज तलहा जी, लोग भाई जाहिर है प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स आ रहे हैं तो वो लोग ही होंगे ना। तो बहुत खूबसूरत साहिल है, बहुत प्यारे पहाड़ हैं, ओमान के पहाड़, मस्कत के पहाड़ इतने साफ़ सुथरे हैं कि कल कोई साहब कह रहे थे यार, कोई पाकिस्तानी कह रहे थे यार, लग रहा है इन सब ने, इन लोगों ने इन पहाड़ों पे बाकायदा पोचा लगाया हुआ है, कोई गर्द नहीं है इन पहाड़ों पे, चट्टाने हैं और बड़ी खूबसूरत। और एक और ये है भी बड़ा कदीम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मस्कत आबाद है, ओमान आबाद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सही हदीस में इन लोगों की तारीफ़ मनकूल है। तो ओमान का, अहले ओमान का हदीस में ज़िक्र मिलता है। तो अच्छा भाई, यहाँ पर बयान है, आज हमारा आखिरी बयान होगा यहाँ पर, उसके बाद कल से हम फारिग हैं। कल इंशाल्लाह इरादा है कि यहाँ थोड़ा सा, ये हज़रात कह रहे हैं बयानात से आप जो है थोड़ा फारिग होंगे, तो फिर हम कल इंशाल्लाह थोड़ी सी, वो गार भी है कल हम, तो अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो यहाँ फ़िशिंग करेंगे इंशाल्लाह। हैं जी, तो मछलियाँ मिलती भी हैं, सिर्फ खज्जल ख्वारी टाइप की चीज़ें होती हैं। नहीं, फ़िशिंग में अगर खज्जल ख्वारी हो ना तो फिर बहुत मसला हो जाता है। अगर वो यहाँ के माहिरीन से पूछ रहे हैं ना कि आजकल मछलियाँ लग भी रही हैं कि नहीं लग रही, कम लग रही हैं, फिर रहने दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी ख्वारी वाला काम है, मछली ना लगे तो फिर बहुत टेंशन होती है, फिर ऐसे ही घूम ले आदमी। डॉल्फिन मछलियाँ भी हैं, सुना है मैंने इन साहिलों में, ये हैं। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो डॉल्फिन फिश भी नज़र आती है।
ये कह रहे थे 3 घंटे हम लॉन्च में चलेंगे समंदर के अंदर तो डॉल्फिन नजर आएगी। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे देख लूंगा, मुझे 3 घंटे समंदर में रहने का शौक नहीं है, अगर 25-30 मिनट में नज़र आ जाएगी तो फिर हम चलेंगे। कह रहे हैं नहीं 3 घंटे जाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है फिर यूट्यूब पे डॉल्फिन देख ले आदमी। तो जैसे ही नमाजों का टाइम होता है पूरे मुल्क में अजानें गूंजती हैं, एक इस्लामी तशख्खुस नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्कत में बेहयाई नहीं है, बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, यहाँ का माहौल देख के, यहाँ की फ़ज़ा बहुत साफ़ है, गर्द वार बिल्कुल भी नहीं है, सफाई सुथराई, लोग अच्छे, बाकी अरब कंट्रीज़ की नस्बत यहाँ पर लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हैं, कानून को फॉलो करते हैं, फड्डेबाजी नहीं है, पुलिस से लोगों को मोहब्बत और पुलिस को लोगों से मोहब्बत, और पुलिस को लोग अपना मुहाफिज़ समझते हैं, वही जो यूरोप का एक कल्चर है यहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ़र्क